अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। तो सर, हमने अभी बात करी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में, लेकिन बहुत हद तक जो लर्नर की प्रिपरेशन होती है, जो पहले दिन से वो लेक्चर्स के साथ देखना चालू कर देता है, वो होते हैं नोट्स। और नोट्स का कॉम्प्रिहेंसिव होना सर आज की यूपीएससी के बदलते हुए पैटर्न में काफी जरूरी है। हमारी टीम से संग्राम है, जो अभी हमारे नोट्स के अपग्रेडेड वर्जन पे काम कर रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि नोट्स की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हम कौन कौन से कदमों को उठाते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज संग्राम पाटिल। सो आई हैव रिटन यूपीएससी मेंस फॉर 6 टाइम्स। वाओ। एंड नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द नोट्स 2.0, नोट्स 2.0। सो सर, पहले मैं बता देता हूँ कि हाउ डिड वी केम अप विद द आइडिया ऑफ नोट्स 2.0। तो हम लोग सर जब अगर देख रहे थे, मतलब व्हाइल आवर प्रिपरेशन वाज आल्सो गोइंग ऑन, तो उस वक्त भी हम लोग देख रहे थे कि कुछ पेपर्स है, जैसे कि GS2 है आपका, GS3 पेपर है, उसमें हमारे पास एक जगह पे कहीं पे नोट्स होते नहीं है। एक ये इशू है, और दूसरा एक और भी इशू कर रहे थे कि कुछ एरियाज में है हमारे पास नोट्स की, जैसे हिस्ट्री वगैरह हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड जो इशूज है वो मिसिंग है। कि फॉर एग्जाम्पल, शायद यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे नोट्स में शायद जो मटेरियल हम लोग पढ़ते थे उसमें ये होता नहीं था। वहाँ पे हम लोग पार्टीशन के बारे में सारी फैक्ट्स वगैरह मिलती थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये सारी जो दिक्कतें हैं लर्नर्स की, वो एड्रेस करने के लिए शायद एक, मतलब ऐसे नोट्स की ज़रूरत है कि जो सारे एरियाज को भी कवर कर रहे होंगे, कि मतलब सिलेबस का हर एक पार्ट, प्रीलिम्स का ही नहीं, मेंस का भी। जैसे GS2 में हमारे पास मेंस के लिए कुछ होता ही नहीं था, तो उस तरीके से फिर एक ये हो, और ऐसे एरियाज भी हो कि जो क्रिटिकल एरियाज है, क्रिटिकल ओपिनियन यूपीएससी पूछे ना पूछे, एटलीस्ट हम लोग वी आर एटलीस्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स कि ये क्यों ज़रूरत थी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले तो ये नोट्स 2.0 वर्जन के लिए मतलब सोच लिया, और इसके अंदर हमारे पास 20 बुक्स हैं कि जो अलग अलग एरियाज के, जैसे GS1 में हमारा मॉडर्न इंडिया होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, इस तरीके से 20 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो होल यूपीएससी का सिलेबस कवर करते हैं। संग्राम, मुझे एक और इनिशिएटिव के बारे में आप बताइए कि जहां तक आपने कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करी और आपने क्रिटिकल ओपिनियन की बात करी, ये नोट्स कवर कर रहे हैं, लेकिन ये मेंस की बात होगी, क्या हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसपे क्रिस्प समरी प्रीलिम्स के लिए हो? हाँ सर, दो चीजें मैं बता सकता हूँ, प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस का, मतलब दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं बता सकता हूँ। कि जैसे प्रीलिम्स में हम, मतलब सॉरी, मेंस में भी हम लोगों को ये हमेशा बताया जाता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स पढ़ ले। तो हमारे नोट्स में हम लोगों ने, अगर कोई भी पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है, तो उसके साइड में अगर यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्कस हो रहा है, तो यूपीएससी ने क्या पूछा था और उसका क्या आंसर होना चाहिए, तो वहीं के वहीं हम लोग प्रोवाइड करें। एक ये चीज है। एक और वैल्यू एडिशन जो सर हम लोग कर रहे हैं, वो है माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट। जैसे एग्जाम में भी कई बार होता था कि माइंड मैप्स के तो यूटिलिटीज बहुत है, लेकिन एग्जाम में लास्ट मेरे पास 5 मिनट बचे होते थे और 2 आंसर्स करना है मुझे, तो मैं उस वक्त कैसे करता था कि फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया और उसका कंक्लूजन लिख दिया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे, लेकिन वो होता था कि एग्जामिनेशन हॉल में सोच नहीं पाते थे कि इस वक्त क्या फ्लो चार्ट ड्रॉ करें, लेकिन इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि 20 बुक्स के अंदर 180 से ज्यादा हम लोगों ने माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स ऐड किए हैं। जैसे हिस्ट्री में टाइम लाइन्स, जैसे प्रीलिम्स के लिए आप पूछ रहे थे सर कि हिस्ट्री में कई बार याद नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टाइम लाइन्स ऐड किए कि 1857 रिवोल्ट हुआ, तब लॉर्ड कैनिंग थे, फिर अगला इवेंट कौन सा होता है, इस तरीके से हम लोगों ने ये भी ऐड किया है उसमें। मुझे याद आएंगे शायद वहां पे, मैं मतलब इन्वेंशन वहां पे पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैंने ये कहीं पे देखा हुआ है पहले से, या कुछ ऑन दीज लाइंस अगर सोचा भी है कि हाँ इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, यही चीजें इसको मैं इस फ्लो में दिखा सकता हूँ, तो वो अगर मैंने पहले किया है तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल याद आएगा सर, मतलब ऐसे। तो सर, एक तरफ जहाँ पे हमने क्रिटिकल ओपिनियन को डेवलप करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिवनेस को कवर किया है, वहीं दूसरी तरफ हमने पूरी चीजों को समराइज करने के लिए माइंड मैप्स और टाइमलाइंस का साथ। ये बात सही हो रहा है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी और नोट्स का भी। तो दोस्तों, ये था अपना अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज वाला टीम और नोट्स का टीम। तो अब देख सकते हैं कितनी सीरियसनेस के साथ, कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ ये सब काम हो रहा है। सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस एंड लेट्स क्रैक इट।